ओए गगन कितना सही है ना, स्कूल की गर्मियों की छुट्टी पड़ गई, मजा आएगा। हाँ मजा तो आ जाएगा, मैं तो अपने नानी के घर चला जाऊंगा। और मैं अपने मौसी के घर जाऊंगी। अच्छा चल फिर रेस लगाते हैं, पहले कौन पहुंचता है। अबे पागल है क्या, मेरी मौसी ना बहुत दूर रहती है शहर में, ऐसे पड़ोस में नहीं रहती कि भाग भाग के मैं पहुंच जाऊंगी। अबे पागल, मैं अपने घर तक रेस लगाने की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना ये गेम। अभी रोड पे यही गेम खेल सकते हैं, नहीं तो मैं खुद ही खुद से रेस लगा के खुद को ही हरा दूंगा और खुद ही जीत के मैं खुद को ही चढ़ाऊंगा। अभी क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आया। अब मैं फिर से नहीं बोल पाऊंगा, बहुत लंबा डायलॉग है। अरे छोड़ ना, एक काम करते छुपन छुपाई खेलते हैं, मजा आएगा। हाँ ठीक है, फिर तू अपनी आँख बंद कर। ओ अच्छा, मैं क्यों करूँ अपनी आँखें बंद, तू कर और मैं छुपती हूँ। अच्छा ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर लेते हैं, जो हारेगा वो आँख बंद करेगा। हाँ हाँ कर ले। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। ये ले तू हार गई, अब तू आँख बंद कर, मैं जाके छुपता हूँ। शिट हार गई। 1 2 3 4 5 6 7। देख तू अभी तक यहीं खड़ा हुआ है, जल्दी से जाके छुप जा वरना तेरे को चोर बनना पड़ेगा। मैं यहीं के यहीं तेरे को पकड़ लूंगी, जा। 9 10 11 12 13। तू ऐसे नहीं मानेगा, जाना। अरे हाँ हाँ छुप गया हूँ, आजा तू ढूंढ मुझे। गगन प्लीज मुझे बचा ले, ये कौन है। देखो डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बच्चा बच्चा नहीं छुपा पूछ रही होगी। अरे हाँ हाँ छुप गया मैं। क्या हुआ, इससे डर रही हो, इससे डर रही हो है? दूर रहो मुझसे, दूर रखो इसको। लेकिन अब तो कोरोना वायरस खत्म हो गया है, फिर मुझे दूर रहने को क्यों बोल रही हो? गगन आजा आजा आजा। ढूंढ नहीं पा रही है मुझे, इसलिए बुला रही है। ढूंढ ढूंढ कितना ढूंढेगी। तुम बार बार गगन को क्यों बुला रही हो? दोस्त है वो मेरा। दोस्त? लेकिन वो है कहाँ? वो ना इधर उधर कहीं छुपा हुआ है। रुको मैं जाके उसे लेकर आता हूँ। गगन भाई, ये रिंकी की आवाज में इतना वजन कहाँ से आ गया, कहीं किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे तो नहीं दब गई? हाँ हाँ जाके देखता हूँ। डर गया बेचारा। भाग 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 भाग। तूने भी वही देखा क्या जो मैंने देखा? हाँ अब तू से भाग यहाँ से, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ। हाँ तू सही कह रहा, तू अपने घर जा। कौन है, कौन हो भाई? प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मेरे पीछे एक भूत पड़ गया है। कहाँ कोई है, कोई भी तो नहीं है। मैंने भूत बोला था भाई। क्या भूत? भू वाला भूत, भूतनी के समझा? अरे तो मेरे पास क्यों आया हो, जाओ किसी बाबा के पास जाओ। इस रोड पे तुझे कोई दिख रहा है? हाँ तू है ना। अबे तो मैं तो तुझसे मदद मांगने आया हूँ ना। अबे तो मैं तेरी मदद कैसे करूँ, मैं तो छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा बच्चा हूँ। बच्चे ही तो कमजोरी है उस भूत की, प्लीज चल के मेरी मदद करो ना प्लीज। नहीं नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं खुद अभी एक भूत से बच के आया हूँ। क्या कहा, तुम अभी एक भूत से बच के आये हो? हाँ और क्या, वो ना इतना लंबा था और उसके बड़े बड़े नाखून थे और तो चुड़ैल जैसी शक्ल थी उसकी। भाई पहले क्लियर कर ले, भूत था या चुड़ैल? भाई डायलॉग पे क्यों जा रहे हो, इमोशन पे जाओ इमोशन पे। मुझे कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो चल के मेरी हेल्प करो। अरे यार कहाँ फंस गया। अच्छा ये बताओ वो भूत है कहाँ, हमें उसे मिलके ढूंढना होगा। ठीक है चलो। भूत
तू पहले डिसाइड कर ले, तेरे को भागना ही रुकना है। आप भूत हो ना? नहीं, मैंने तो मेकअप किया हुआ है। यहाँ पे शूटिंग चल रही है, वो देखो कैमरा लगा हुआ है। लेकिन अंकल जी, मुझे तो कोई कैमरा दिख नहीं रहा यहाँ। पागल लड़की, मैं सचमुच का भूत हूँ। ये हाथ देख के, ये आंखें देख के तेरे को पता नहीं लग रहा? तो कहे तो हाथ काटूं, काटूं? नहीं नहीं अंकल जी, प्लीज मुझे जाने दो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? देखो पहले ना आप दूर रह के बात करो। पर बेटा कोरोना वायरस तो खत्म हो गया ना। मैं आपको अपने पास कैसे आने दूं? आप तो भूत हो ना, अगर आपने मुझे कुछ कर दिया तो। ओए माँ। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। रिंकी, इधर उधर क्या देख रही है? अरे वो भूत अंकल है ना, उनको हमारी हेल्प की जरूरत है। हेल्प? उसको भी हेल्प चाहिए? उनको भी मतलब और किसी हेल्प चाहिए? ये इस भाई को हेल्प चाहिए, ये भी किसी भूत को ढूंढ रहा है। ये कौन है? ये दोस्त है, अभी 2 मिनट पहले ही बना है मेरा, नया एकदम। क्या तुम मुझे बता सकती हो भूत अंकल कहाँ गए? अरे जाने दो ना यार, वैसे भी वो भूत अंकल कितने डरावने दिखते हैं, मुझे दोबारा नहीं देखना उनको। देखो तुम लोगों को शायद पता नहीं है, वो भूती अंकल बहुत ही खतरनाक है, उसे बच्चे खाना पसंद है। इससे पहले वो तुम दोनों में से किसी को खाए, हमें उसे रोकना होगा। ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। देखो वो भूत अंकल जैसे ही हमें दिखेंगे, हम उन्हें कसम दे देंगे ताकि वो किसी भी बच्चे को ना खा पाए। हाँ, क्या आइडिया है, वैसे भी कसम कौन ही तोड़ेगा। अबे जैसे वो भूत है, तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा अगर उसे कसम दी तो। ठीक है, कसम तो प्लान कैंसिल, कुछ और सोचते हैं। देखो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी मदद करो उस भूती अंकल को ढूंढने में, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, किसी को ढूंढने आ रहा हूँ, फिर खाना खाऊंगा। देखो डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अबे तुम भूत हो, तुम कुछ करो या ना करो मैं तो डरूंगा ही। देखो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा बच्चा ही तो हूँ। अरे अंकल भूत बन गए हो, फिर भी पीना नहीं छोड़ा क्या? अरे देखो मैं सच कह रहा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो उस पाखंडी पंडित का है जिसने मुझसे मेरा बच्चे वाला शरीर छीन लिया और अब मुझसे मेरा ये शरीर छीन कर नए शरीर में जाना चाहता है। अरे यार अंकल बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। देखो तुम सिर्फ इतना समझ लो कि मैं बुरा नहीं हूँ। माना कि मेरी शक्ल खराब है पर मेरा दिल अच्छा है, प्लीज मेरी मदद करो मेरे शरीर ढूंढने में। अरे अंकल मैं किसकी मदद करूं, उस लड़के की जो आपको ढूंढ रहा है या तुम्हारी जो अपने शरीर को ढूंढ रहा है? क्या कहा तुमने, कोई और मुझे ढूंढ रहा है? हाँ एक लड़का मिला था मुझे रास्ते में, उसने बताया मुझे कि उसे एक भूतिया अंकल की तलाश है। अरे भाई वो मेरा ही तो शरीर है, इसकी आत्मा उस शरीर में और उसकी आत्मा इस शरीर में। अच्छा तो इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है, अब समझा मैं। हाँ बिल्कुल सही समझे। लेकिन अब वो जाएगा किसके बॉडी में? जिससे उसने हेल्प मांगी होगी। क्या, उसने तो मुझसे हेल्प मांगी थी, इसका मतलब ये सड़ा सा शरीर मुझे मिलेगा? ची 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 ची, मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ हमें उसे रोकना होगा। ठीक है, मुझे पता है वो लड़का कहाँ गया है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। वो भूतिया अंकल मिला, पीछे देखो। बच्चों को जाने तो पखंडी पंडित। ये पंडित कौन है? इसका मतलब ये कि भूतिया अंकल ये पंडित है और ये पंडित वो भूतिया अंकल है। मेरा मतलब है इन दोनों के शरीर आपस में बदल गए हैं, इसका मतलब भूतिया पंडित बुरा आदमी है, मेरा मतलब है बुरा बच्चा है। हाँ और अब इन दोनों में भयंकर फाइट होने वाली है, हम दोनों को चुपचाप खड़े होकर सिर्फ इनकी फाइट देखनी है। अरे यार तू पहले बताता ना,
अब पूरा बोरिंग बोरिंग हो गया। मैं घर से पॉपकॉर्न लेकर आती, इन दोनों की फाइट अब मुझे ऐसे ही देखनी पड़ेगी। अरे तो चुप कर यार, अब इन दोनों में सुपर पावर यूज होगी, वो देखेंगे। हाँ देखते हैं कौन जीतता है। चिड़िया उड़ उड़, तेरी बारी, तू बोल। कबूतर उड़ उड़ा, कपड़े उड़ उड़ा। कपड़े नहीं उड़ता, अब तो तू मार खाएगा। अरे पागल है क्या, जब हवा चलती है तो कपड़ा उड़ता है ना। अरे तुम दोनों तो लड़ने वाले थे ना, गेम क्यों खेलने लगे। अरे चुप कर यार, पहले ये बता कपड़े उड़ते हैं नहीं। नहीं नहीं कपड़े तो नहीं उड़ते। देखा, चला हाथ आगे कर, मारूंगा। अरे यार जब हवा चलती है तो कपड़े उड़ते हैं ना, तो मैं कैसे आ रहा। अरे नहीं अंकल, ऐसे नहीं होता है, आप सच में भूतिया हो। अच्छा एक बात बताओ, पतंग उड़ती है ना। हाँ अंकल वो तो उड़ती है। हाँ लेकिन कैसे उड़ती है। हवा से। हाँ तो हो गया ना क्लियर, जब हवा से पतंग उड़ सकती है तो कपड़े क्यों नहीं, बोलो। हाँ यार बात तो सही कह रहे भूतिया अंकल। तो फिर बताओ कौन जीता। हाँ ठीक है तुम जीत गए, लेकिन ये बताओ तुम दोनों लड़ोगे कब। अरे फिर ये बता, लड़ाई से कभी किसी का भला हुआ है आज तक। नहीं तो। तो फिर लड़के क्या मिलेगा। अरे तुझे तेरा शरीर वापस नहीं चाहिए क्या। अरे शरीर का क्या है, वो तो मरने के बाद वापस मिल जाएगा। वही तो, क्या लेकर आए जगत में, क्या लेके जाएगा। अबे ये चल क्या रहा है, तू भूत है या भूतनी। अबे ओए मार नहीं इसे, तुझे अपना शरीर वापस नहीं चाहिए क्या। गगन मुझे लगता है ये दोनों ना पागल हो गए हैं। बेटा पागल हम दोनों नहीं, तुम दोनों। क्या मतलब। मतलब ये कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू। अरे गगन मैं तेरे दूर का मामा हूँ, मामा। और रिंकी मैं तेरे दूर के मामा के दिल के पास वाला बेटा हूँ। का मतलब ये सब मजाक किया तुमने हमारे साथ है। हाँ मजाक था मजाक। आप दोनों ने तो बहुत अच्छा मजाक किया, अब हम भी एक मजाक करेंगे। मामा भागो। चल गगन